जो ना टूटे जो ना छूटे, इन रिश्तों से ही तो बनती है ऐसी डोर जो ना टूटे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई नो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिट करने का, उसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरे टाइम पर जाए। और येल्लो साड़ी में ही शादी होती है तो यहाँ पे येल्लो साड़ी चेंज वेंज करवा करके हम लोग आ गए थे मंडप के नीचे शादी करवाने के लिए। तो ये जो विधि हो रही है ये है, भाई जो है बहन को अपने जल से धार भरता है, यानी कि अपने तरफ से वो एक दुआएं देता है कि जा बहन तू जहाँ रहेगी वहाँ खुश रहे, प्यार बांट और खुशियाँ दे, पूरे परिवार को संभाल इकट्ठा कर। तो यहाँ पे वही सब हो रहा है और मेरा बाबू सो गया था इस वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और मेरे से जितना बन पा रहा है मैं रिकॉर्ड करूँगी और इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा मतलब रोना आ जाता है जब बेटी का कन्यादान होता है या बेटी का मांग भरा जाता है। बेटी की शादी सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग होती है। ये मोमेंट एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी को देना किसी ऐसे पर्सन पे जिस पे आपने विश्वास कर लिया है, और खुश माँ बाप जो है खुश तभी होते हैं जब वो बेटी अपने ससुराल में जा कर के खुश रहे। और यहाँ पे जो भी इसका रिचुअल है ना ये उसके दादा दादी कर रहे हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा का कहना था कि अभी जब मेरे माँ बाप हैं तो फिर मेरे माँ बाप ही सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ जो है इसके दादा दादी ने ही सब कुछ किया है। जब तक पूरे ना हो आगे की वीडियो मैंने नहीं ली है क्योंकि इसके आगे सिर्फ विदाई है और विदाई के टाइम पे मुझे कैमरा लेकर के चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।